मोदी सरकार के आने के बाद से देश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे के मामले में जबरदस्त तरक्की देखी है। 12 किलोमीटर हाईवे 2014 में हर रोज बनते थे, लेकिन अब 30 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे हर रोज बनते हैं। सरकार को पता है कि समृद्धि की मंजिल जो है वो हाईवे पर चलकर मिलेगी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं और देखिए कैसे मोदी सरकार ने शहर शहर हाईवे का जाल बिछाया। ये रोड क्रांति है जो मोदी सरकार की नई पहचान बन गई। जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी उसको 2014 के बाद से मोदी सरकार ने मिशन मोड में ले लिया। रफ्तार के साथ रफ्तार वाले हाईवे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सारी अड़चने दूर हो रही है और नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। एक ऐसा एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से मुंबई के बीच हवाई जहाज से लेकर ट्रेनों तक पर निर्भरता को कम कर देगा। 10 से 12 घंटे के भीतर दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने का सपना साकार होने वाला है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आवाजाही से आसानी से ही समृद्धि का रास्ता खुलता है। कारोबार से लेकर तरक्की, सब कुछ रफ्तार वाले रास्तों से जुड़ी है और यही वजह कि मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा लगातार ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने पर है। पीएम ने राजस्थान की धरती से सरकार की तो तारीफ की ही, मगर कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान में तरक्की चाहिए तो दोबारा बीजेपी की सरकार लानी होगी। अब राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए, अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए। अब राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए, तभी राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो पाएगा। बीजेपी का पूरा फोकस रोड नेटवर्क का बहुत बड़ा जाल बिछाने पर है। इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनका पूरा ध्यान शहरों के बीच सफर को कम से कम करने पर है। अब जरा आपको उन हाईवे के सफर पर लेकर चलते हैं जो मोदी राज में बने हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की झलक तो आप पहले ही देख चुके हैं। पिछले साल जुलाई में खुला था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जरा इसकी एक झलक देखिए, इसने बुंदेलखंड को दिल्ली से करीब ला दिया। 250 से ज्यादा पुल वाला ये एक्सप्रेसवे नायाब है। दिल्ली से चित्रकूट की दूरी इस हाईवे से 630 किलोमीटर तक रह गई। वक्त लगेगा सिर्फ 6 घंटे। पहले दूरी थी 700 किलोमीटर और वक्त लगता था 12 से 14 घंटे। और इस तस्वीर को भला कौन भूल सकता है जो 16 नवंबर 2021 की, और तब पीएम नरेंद्र मोदी का विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा था। जी हाँ, हाईवे पर विमान। 2018 में एक्सप्रेसवे बनना शुरू हुआ था, पीएम मोदी ने ही नींव रखी और 2021 में उन्होंने ही उद्घाटन किया। ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर लड़ाकू विमान तक उतर सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर का है, गाजीपुर से लखनऊ तक बना है। इससे पूर्वांचल का विकास हो रहा है। पिछले ही साल पीएम ने नागपुर से मुंबई तक के समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का भी उद्घाटन किया था, जो अहमदनगर के शिरडी तक बना है। ये एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर का है और 2018 में दिल्ली वाले ये देखकर हैरान थे कि दिल्ली से मेरठ का सफर कितना आसान हो गया है। तब दिल्ली से मेरठ तक के एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई थी। इस पर 841 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2014 में हर रोज करीब 12 किलोमीटर हाईवे बना था, आज 30 किलोमीटर हाईवे हर रोज बनता है। एक चार्ट के जरिए समझिए अब कितनी रफ्तार के साथ हाईवे बन रहे हैं। 2014 में करीब 4,400 किलोमीटर हाईवे बने, 2015 में 6,000 किलोमीटर हाईवे बना, फिर रफ्तार आई 2016 में, पहली बार 8,200 किलोमीटर का हाईवे बनने का करिश्मा हुआ। 2017 में 9,800 किलोमीटर हाईवे बने, 2018 में पहली बार 10,000 का आंकड़ा भी पीछे छूट गया जब करीब 11,000 किलोमीटर हाईवे बना। 2019 में भी 10,200 किलोमीटर हाईवे बनाए गए।
2020 फिर नया रिकॉर्ड लेकर आया। पहली बार 13,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बनाने का बड़ा मिशन हासिल किया गया। 2021 में फिर 10,500 किलोमीटर हाईवे बना। साफ है कि मोदी सरकार का मिशन नई मंजिलें छूना है। 2024 के चुनाव में इन उपलब्धियों का जिक्र जरूर होगा और कोशिश यही रहेगी कि इन रास्तों से एक बार फिर 2024 की सत्ता तक पहुंचा जा सके। आज तक ब्यूरो।